राज्य विधानसभा के 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, केंद्र राज्य संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक, टीएसी की 25वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। भाजपा के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत कोडरमा में निकाला गया आक्रोश मार्च, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। और एचआईएफ महिला हॉकी राष्ट्र कप के लिए गठित भारतीय टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन आज राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, विधायक स्टीफन मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में केंद्र राज्य संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश के संघीय ढांचे को सफल होने दें। And dense forest welcomes you with folded hands. My humble greeting to one and all gathered here to make the National Conference on Center-State Relations a successful academic event. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री काउंसिल टीएसी की अहम बैठक हुई। टीएसी की इस 25वीं बैठक में आरक्षण समेत कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आज सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा द प्रोविजन ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज बिल 2001 पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था। उन्होंने बताया कि अब आरक्षण रोस्टर पर महाधिवक्ता से राय ली जाएगी, इसके बाद ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, दीपक बिरुआ, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोनगारी, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू, शिल्पी नेहा तिर्के, विश्वनाथ सिंह सरदार और जमल मुंडा शामिल थे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा के कल्याणपुर में बिरसा मुंडा स्मारक सह हेलीपैड पार्क का भूमि पूजन किया। 6 एकड़ में फैले इस पार्क के बनने से गढ़वा के लोगों को काफी सहूलियत होगी। भूमि पूजन के अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में विकास के नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 13 करोड़ की लागत से यह निर्माण कार्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। और आज उस पर एक नई कड़ी आज जुड़ गई कि गढ़वा जिले के लोगों को 14 करोड़ के लगभग का एक पार्क आज उसका भूमि पूजन किया गया और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री को ये जानकारी मिली कि गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है झारखंड में जहां बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की एक भी प्रतिमा नहीं है, उसी समय उन्होंने निर्देश दिया नगर विकास विभाग को कि जल्द से जल्द इस समाहरणालय के सामने जो हमारा हेलीपैड है इसका विकास हो, एक आधुनिक पार्क यहां बने और आदमकद प्रतिमा भगवान बिरसा मुंडा की लगे। और भाजपा के राज्य व्यापी कार्यक्रम के तहत आज कोडरमा जिले में आक्रोश मार्च निकाला गया। कार्यक्रम के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद
पीएन सिंह और विधायक नीरा यादव शामिल हुई। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ ईडी ने सम्मन जारी किया है। अभी जेल में है, हजारों करोड़ का घोटाला पत्थर का ये सामने आया है, तो पूरे राज्य के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, जो पदाधिकारी है मनमाने तरीके से पदाधिकारी के द्वारा काम करना, सरकार गूंगी बहरी ये सरकार है, राज्य के लोगों ने इस पर भरोसा जताया लेकिन राज्य की जनता का कहीं कोई ख्याल नहीं है। और इन्होंने रोजगार देने की बात की लोगों को, लेकिन रोजगार स्वरोजगार उन्होंने किया, अपने ही नाम से लीज लिया, अपने सगे संबंधियों को, अपने नाते रिश्तेदारों को लीज और खरन पट्टा दिया। उधर गढ़वा में भी भाजपा की ओर से जन आक्रोश मार्च निकाला गया। पलामू सांसद बीडी राम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया, जो बाद में एक सभा का रूप ले लिया। प्रदर्शन राम साहू मैदान से मुख्य बाजार होते हुए समाहरणालय के नजदीक जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान दोनों नेताओं ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मिला है नहीं मिला है, प्रशासन चौपट हो गया, प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं आप सबसे पूछिए, एक स्वर से वो कहेंगे कि न ब्लॉक में काम होता है न थाना में काम होता है बिना सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आज 3 साल होने वाले हैं, नौकरी को दूर की बात रहा, आज संविदा पर आधारित हजारों हमारी बहनें और भाई आज काम कर रहे हैं ब्लॉक ऑफिस में, पैरा टीचर के रूप में, स्वास्थ्य। राज्य सरकार के विरोध में देवघर के शिवलोक परिसर से समाहरणालय तक भाजपा नेताओं द्वारा विशाल रैली निकाली गई। इस विरोध प्रदर्शन में चतरा सांसद सुनील सिंह, देवघर विधायक नारायण दास, सारठ विधायक रणधीर सिंह सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट के नजदीक धरना दिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान सांसद सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में हर जगह लूट और अवैध वसूली का काम धड़ल्ले से जारी है। अगर आपको लगता है कंस बोला तो ये अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध जो नेतृत्व कर रहा है उस पूरे कुनबे को कहा है, क्योंकि भाषा की मर्यादा। उधर रामगढ़ समाहरणालय के समक्ष भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रदर्शन किया। सांसद जयंत सिन्हा, विद्युत वरण महतो, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जिले के फुटबॉल मैदान में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और फिर मोटरसाइकिल जुलूस के साथ नारेबाजी करते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि राज्य में न सिर्फ विकास कार्य की गति धीमी हुई है बल्कि भ्रष्टाचार का बोलबाला भी बढ़ा है। लालू की गोद में खेला है, जो आज जेल में उजाला किया हुआ है लालू, और जेल यात्रा कई बार उन्होंने काट चुकी है। और ये कांग्रेस अलग राज का बात जो वे लोग करता था उस परिषद का गठन करके शिबू सोरेन को चेयरमैन बना था। रांची के नामकुम स्थित राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय गढ़ खटंगा में बच्चों के लिए आरंभ किए गए बाल पुस्तकालय का आज सांसद संजय सेठ ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह आधुनिक पुस्तकालय होगा जहां बच्चों को आईसीटी लैब और पढ़ने की सुविधा साथ साथ मिल सकेगी। इस दौरान जाति प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के बावजूद शाम में चार्टर्ड प्लेन उड़ाकर दिल्ली जाने से संबंधित मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने
मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च 2023 निर्धारित की है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एवं उनके पुत्र मनोज तिवारी और एयरपोर्ट डायरेक्टर को दी गई अंतरिम राहत के तहत उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। राज्यभर के एनएचएम कर्मियों ने आज रांची के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नियमितीकरण की मांग की। इस दौरान श्री गुप्ता ने एनएचएम कर्मियों को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न अनुबंध कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। और अनुबंध पे जो कर्मी हैं हमारे वो करीब 16-17 हजार कर्मी हैं, जिनको एनएचएम के माध्यम से वो पहले अनुबंध पे थे, उनके नियमितीकरण के लिए मैंने विभाग को पत्र लिखा है और उस पर एसीएस साहब से एक रिपोर्ट मांगी है और 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का मैंने सुझाव दिया है और उसी में इनके भी एक प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत करने की बात कही है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आज रिम्स की व्यवस्था और फोर्थ ग्रेड पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। रिम्स प्रशासन को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि रिम्स में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त है और रिम्स का अधीक्षक ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो रिम्स की सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। मामले की अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी। इस दिन कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा 18 से 24 नवंबर तक देशभर में लेखा परीक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज प्रधान महालेखाकार कार्यालय रांची द्वारा सीएजी के संगठन और क्रियाकलापों के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने और प्रमुख हितधारकों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, झारखंड सरकार के लोक उपक्रम समिति के सभापति सरयू राय समेत महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में पहली बार आंतरिक वित्तीय ऑडिट किया जा रहा है। सबको जानने का अधिकार है कि क्यों कर 20-21 साल से ऑडिट नहीं हुआ। राज्य के विभाग खर्च कर रहे हैं, खर्च लिमिटिंग से हो रहा है, उन खर्चों से जो लाभ होना चाहिए था लाभ मिल रहा है कि नहीं, या उसमें गबन हुआ। हिसाब देना होता है, घर घर में हिसाब हम लोग से मांगा जाता है, हम भी अपने खुद बेटा से हिसाब मांगते हैं। तो हिसाब को देखने के लिए ये जरूरी रहता है ऑडिट। इस दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय का मुख्य कार्य देश में वित्तीय अनुशासन लाना है। तो वही ऑडिट करके बना देना चाहिए। दोनों का उद्देश्य है कि सरकार की जो सारी संस्थाएं हैं ये संस्थाएं सही तरीके से काम करने लगे, कोई नुकताचीनी करना, उसमें कमी निकालना, उसमें आरोप गठित करना, ये उद्देश्य नहीं है। राज्य के सीमावर्ती इलाके भालू पहाड़ी क्षेत्र में आज एक स्कूली बस अचानक पलट गई। इस हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 8 छात्रों की स्थिति गंभीर है। घायलों को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फुल लोड ही गाड़ी तो उसे उदी के लास्ट चलो पूछिया था जो यहाँ से पाल्टी में गए। ओ चोट बड़े एक बच्चा है, ये तो हमारा ही था, मोटा 7 जन 8 जन ऐसी चीज सब कुछ उठाए नहीं कुछ नहीं ना। कैसे पलट गया? एक्सेल टाटा पूरा फांसी गेलो और बरक की बस चलो स्कूल बस। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत
घोड़ाबांधा में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित बूचरखाने को आज ध्वस्त कर दिया और उसके मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इससे पहले लगभग एक दर्जन गाय और बछड़े को बूचरखाने से गौशाला भेजा गया। मौके पर मौजूद सिटी एसपी के विजय शंकर ने कहा कि अवैध रूप से संचालित हो रहे बूचरखाने के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ज्ञापन किया गया और विधिवत कार्रवाई की गई, फिर एसडीओ के द्वारा वहाँ पे नोटिस वोटिस दिया गया। तो उसके बाद अभी ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आज एसडीओ साहब के यहाँ से रिक्वेस्ट किया गया था, तो उसी क्रम में पुलिस से सपोर्ट किया गया है। और दुमका के रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL के CMD अविनाश कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से करीब 23,62,000 रूपये की राशि का चेक रानी सती राइस मिल को सौंपा गया। कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने आज योजनावार बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश और व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने 2022-23 के बजट में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लेकर विचार विमर्श भी किया। भारतीय महिला हॉकी टीम में पहली बार झारखंड की एक साथ चार खिलाड़ियों को चुना गया है। हॉकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक आरके श्रीवास्तव ने हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्पेन में 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित होने वाले FIH महिला हॉकी राष्ट्र कप के लिए झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुमनुंग का चयन किया गया है। डाल्टनगंज में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का कल उद्घाटन किया जाएगा। आज इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पूर्वी जोन के महानिदेशक भूपेंद्र कैथोला ने कहा कि पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, स्थानीय विधायक समेत कई गणमान्य लोग उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। यह 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आजादी के अमृत महोत्सव और संविधान दिवस के मौके पर लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे शीतलहर चलने की संभावना बढ़ गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक दिन का तापमान गिरेगा, वहीं रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.9 और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 14.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। तेईस नवम्बर साल 1983 को भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की शुरुआत राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता से शुरू हुई और इसका समापन गोवा में हुआ। यह राष्ट्रमंडल देशों का 7वां शिखर सम्मेलन था। यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चला। इस सम्मेलन में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।
अमेरिका द्वारा ग्रेनाडा पर हमला करना, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा की सेना द्वारा नामीबिया पर कब्जा करना और अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 साल में एक बार होता है। 23 नवंबर साल 1904 को अमेरिका के सेंट लुइस में 3रे ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। यह पहली बार था जब ओलंपिक खेल यूरोप के बाहर आयोजित किए गए। जापान और रूस के बीच हो रहे युद्ध की वजह से पूरे यूरोप में तनाव था। इसी वजह से सेंट लुइस जाने की कठिनाई के कारण दुनिया के शीर्ष एथलीटों में से अधिकांश खिलाड़ियों को इस ओलंपिक से दूर रहना पड़ा। खेलों के इस महाकुंभ में शिरकत करने वाले 650 एथलीटों में से लगभग 80% प्रतिभागी संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। 23 नवंबर साल 1937 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पांकी विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता, पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह व भाजपा नेता लाल सूरज को आज साक्ष्य के अभाव में पलामू व्यवहार न्यायालय से बरी कर दिया गया। तीनों के मामले की सुनवाई स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में हुई। टिकाऊ कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के लिए वैश्विक शोध पहल विषय पर मेरठ के आस्था फाउंडेशन द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के ऑफलाइन मोड का समापन हो गया। कृषि, पशु चिकित्सा, वानिकी, मत्स्य पालन, पर्यावरण एवं जैव विविधता आदि विषयों पर 11 सत्र आयोजित किए गए। गिरिडीह जिले के गांडे थाना पुलिस ने गोवंश से भरे 3 ट्रकों को पकड़ा है, साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ट्रक ड्राइवर के साथ उप चालक भी शामिल है। तीनों ट्रक में 120 से अधिक गोवंश लदे थे। फिलहाल जब्त गोवंश को पंचम्बा गोपाल गौशाला में भेज दिया गया है। राजीव ग्रामीण एसपी रौशाद आलम ने सिटी एसपी अंशुमन कुमार के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद नगर एवं यातायात के रूटीन कार्यों की समीक्षा बैठक की। साथ ही यातायात समस्या को लेकर ट्रैफिक के डीएसपी एवं थाना प्रभारियों को कई दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण एसपी ने कहा कि मेन रोड पर जो भी ठेला खोपचा लगाए हुए है उन्हें किनारे रहने की हिदायत दें, नहीं मानने पर उनसे जुर्माना वसूले। पतरासू से सोननगर तक थर्ड लाइन रेलवे का निर्माण कर रही आईबीएनएल कंपनी के ठेकेदार टीटीआईपीएल के टोरी व चेतर रेल स्टेशन के बीच अवस्थित साइडिंग पर धावा बोलकर भाकपा माओवादी ने 8 वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान नक्सलियों ने वहां मौजूद 2 इंजीनियरों को बंधक बना लिया और मजदूरों के साथ मारपीट की। हालांकि कुछ समय बाद इंजीनियरों को सकुशल मुक्त कर दिया गया। राज्य में कोरोना के 7 नए केस मिले हैं। इनमें धनबाद में 6 और कोडरमा में 1 नए मरीज की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में 18 सक्रिय केस रह गए हैं। कोरोना से अब तक 437,216 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 98.79% है। आद्रा मंडल के छरा स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन संख्या 1803 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 25 नवंबर को हटिया से पुरुलिया तक जाएगी तथा यह रेक ट्रेन संख्या 1803 खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस बनकर पुरुलिया से हटिया आएगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 1803 खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 25 नवंबर को खड़गपुर से आद्रा तक आएगी तथा यह रेक ट्रेन संख्या 1803 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस बनकर आद्रा से खड़गपुर जाएगी। खूंटी जिले में उपायुक्त ने विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बढ़ती ठंड को देखते हुए देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रात में शहर का जायजा लिया। सबसे पहले वे बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे और ठंड में रात गुजार रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उपायुक्त ने उनके बीच कंबलों का वितरण भी किया।
लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन संख्या 15661 रांची कामाख्या एक्सप्रेस के आज के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 8:30 बजे के स्थान पर 3 घंटे विलंब से अर्थात 11:30 बजे रांची से प्रस्थान करेगी। मनरेगा कर्मियों के अक्टूबर माह के मानदेय भुगतान के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। सभी जिलों व प्रखंडों के अधिकारियों को कहा गया है कि वे 24 नवंबर को दोपहर 12 बजे से प्रशासनिक मद से उपलब्ध कराई गई राशि का भुगतान प्रारंभ करें। विभाग के निर्देश के बाद जिला और प्रखंड मुख्यालयों में मानदेय भुगतान की तैयारी की जा रही है। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर के किले का। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये भारत के एकदम मध्य में है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये वो धड़कन है जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत छुपी हुई है। मध्य प्रदेश की इसी भव्य सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है ग्वालियर का किला, जो ग्वालियर जिले में गुप्पांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करीब 8वीं शताब्दी के आसपास करवाया गया था। इस फोर्ट को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। कई इतिहासकारों का ये कहना है कि इस किले पर पाल वंश, मुगल वंश, भीम सिंह, महाराजा देवराम आदि ने कई सालों तक शासन किया था। ये ग्वालियर के सबसे बड़े और पुराने किले में से एक है। ग्वालियर के किले के साथ साथ आप पास में स्थित कई ऐतिहासिक स्मारक जैसे बुद्ध मंदिर, जैन मंदिर या महल का भी दीदार कर सकते हैं। इस किले की संरचना खूबसूरत लाल पत्थरों से बनाई गई है। साथ ही इस किले की वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। किले की दीवारों को कई खूबसूरत डिजाइन और शिलालेख से सजाया गया है। इसकी संरचना काफी मजबूत और प्रभावशाली है। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। ये किला सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि पूरे देश की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सर्दी के मौसम में जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है, आइए जानते हैं इससे बचने के उपाय। सर्दियों में जोड़ों में दर्द और जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सर्दी के मौसम का प्रभाव हमारे जोड़ों पर पड़ता है, खास तौर पर वो लोग जिन्हें पहले से ही जोड़ों की समस्या हो उन्हें काफी परेशानी होती है। सर्दी के दिनों में अक्सर जो है जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द अचानक से बढ़ने लगता है। इसका मुख्य कारण है कि जो जोड़ों जो पेन के जो सेंसर है जोड़ों के अंदर वो कोल्ड से स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसमें पेन का एहसास बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जो है ब्लड की सर्कुलेशन खासकर उंगलियों में, अंगूठों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, उससे भी जो दर्द बढ़ जाता है। सर्दी के दिनों में जो बाहरी वातावरण में एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कम होता है उसकी वजह से जोड़ों में मांसपेशी में सूजन आती है, तनाव होता है और दर्द महसूस होने लगता है। इस तरह के मौसम में जो सन एक्सपोजर कम होता है तो विटामिन डी भी कम बनने लगती है और जोड़ और हमारे जो बोन्स की वीकनेस को बढ़ाती है उसे भी पेन ज्यादा होता है। जोड़ों की समस्याओं से बचाव के लिए क्या किया जाए ये समझना जरूरी है। हमारी जो बॉडी को जो है मूवमेंट में रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेस आउट करना चाहिए, अपनी बॉडी का जो हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, लो बैलेंस डाइट लो और वेट को लूज करना चाहिए। इसी तरीके से जो है हमारी जो बॉडी का जो मूवमेंट है, मसल्स का जो है फ्लेक्सीबिलिटी है उसको बनाए रखना चाहिए। अपने आप को जो बिस्तर तक सीमित नहीं करना चाहिए जिससे कि जो है आपकी जो स्टिफनेस बढ़े, मूवमेंट कम हो। कुछ खाने में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस मौसम में अवॉइड करनी चाहिए, उसमें जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, रिफाइंड जो कार्बोरेट है, प्रोसेस फूड है, उनका सेवन कम करना चाहिए। और जो ग्रीन वेजिटेबल है, गार्लिक है, जिंजर है, ग्रीन टी है, नट्स है, फ्रूट्स है, बेरीज है, ऑलिव ऑयल है, इस तरह की चीजों का सेवन करने से जो है जोड़ों को जो है दर्द का एहसास कम होता है। नियमित व्यायाम करें जिससे शारीरिक सक्रियता बनी रहे और जोड़ों की समस्याएं परेशान न करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।